हनुमान जी जिन्हें कहा जाता है महावीर। पटना में हनुमान जी को समर्पित है महावीर मंदिर। ये मंदिर देश के प्राचीन हनुमान मंदिरों में से एक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज धरोहर पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे महावीर मंदिर के सफर पर। हर साल लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं। संकट मोचन की प्रतिमा भक्तों के दिल में एक विशेष स्थान रखती है। महावीर मंदिर में हजारों भक्त हनुमान जी की आराधना करते हैं। मान्यता है यहाँ भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है और ये मंदिर में भक्तों की बढ़ती संख्या का कारण है। मंदिर में श्री हनुमान जी की दो युग्म प्रतिमाएं एक साथ हैं। पहली प्रतिनारायण साधु नाम, जिसका अर्थ है अच्छे व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए, और दूसरी विनाशाय च दुष्कृताम, जिसका अर्थ है दुष्ट व्यक्तियों की बुराई दूर करने के लिए। ये मंदिर साल 1900 में रामानंद संप्रदाय के अंतर्गत आता था, जबकि साल 1948 में गोसाई सन्यासियों के संप्रदाय के अधीन हुआ था। साल 1948 में पटना उच्च न्यायालय ने इसे सार्वजनिक मंदिर घोषित कर दिया। ये मंदिर मूल रूप से स्वामी बालानंद द्वारा स्थापित किया गया था। इस मंदिर में दिया जाने वाला महाप्रसाद पीठासीन देवताओं को अर्पित किया जाता है। प्रसाद के रूप में नैवेद्यम दिया जाता है, जिसे तिरुपति और आंध्र में तैयार किया जाता है। महावीर मंदिर का नैवेद्यम लड्डू हनुमान जी को अर्पित किया जाता है। संस्कृत भाषा में नैवेद्यम का अर्थ है देवता के समक्ष खाद्य सामग्री अर्पित करना। इस प्रसाद को तिरुपति में बनाया जाता है। इस प्रसाद में बेसन का आटा, चीनी, काजू, किशमिश, हरी इलायची, कश्मीरी केसर और अन्य फ्लेवर डालकर घी में पकाया जाता है। महावीर मंदिर का अद्भुत सफर हम यहीं समाप्त करते हैं। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा कर पाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।